नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मीडिया विंग के चेयरमैन हर्षवर्धन चौहान इन दिनों अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए बताया कि सरकार अपने ऐशोआराम पर कर्ज का पैसा लुटा रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि महज 4 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान जयराम सरकार हिमाचल को 22,000 करोड़ रुपए के कर्ज तले डुबो चुकी है। जिन पैसों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर, मंत्रियों और बोर्ड के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की महंगी गाड़ियां और अपने ऐशोआराम पर खर्च कर रहे हैं। उन्होंने हिमाचल की जीडीपी के माइनस में होने पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि प्रदेश की बदहाल सड़कों के गड्ढे भरने और सड़कों की मरम्मत करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। जब 2017 में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त हिमाचल प्रदेश में लगभग 48,000 करोड़ रुपए का लोन था और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में था कि वो प्रदेश का विकास और प्रदेश को आगे चलाने में जो है कर्ज नहीं लेंगे और उनको ये था कि भी केंद्र से जो है वो सहायता आएगी। मगर आज हिमाचल प्रदेश का कर्ज जो है वो 48,000 करोड़ से बढ़कर के लगभग 70,000 करोड़ के करीब आ चुका है। आज निरंतर प्रदेश जो है कर्ज के बोझ के तले दब रहा है और निरंतर कर्ज बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात इस सरकार में ये रही है कि जो कर्ज है वो अधिकांश उसका इस्तेमाल जो है वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा है। मंत्री और जो बोर्ड के चेयरमैन वाइस चेयरमैन है उनके लिए महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं और आम जनमानस जो है हिमाचल प्रदेश का, चाहे किसान है, चाहे बागवान है, चाहे सरकारी कर्मचारी है, वो परेशान है। ये लोग आज हताश है, परेशान है, चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे और चीज़ें हैं, तो लोग परेशान है। कोरोना को निपटने में प्रदेश सरकार की विफलता रही है। आज हिमाचल प्रदेश बीजेपी के लोग और मुख्यमंत्री बड़े बड़े दावे करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में विकास की गति बहुत निरंतर बढ़ रही है, मगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हमारा जो जीडीपी है, हमारी एनुअल ग्रोथ है, वो कितनी है? तो माइनस में है। अगर माइनस में जब आपके जो आंकड़े आपने विधानसभा में पेश किए वो -6 है हमारी लास्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर की हमारी एनुअल ग्रोथ जो है, और अभी भी मैं कह सकता हूँ अभी भी हिमाचल प्रदेश की जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो माइनस में है। तो इनके बोलने में और करनी और कथनी में अंतर है। बोलने से कुछ नहीं होता। आज हिमाचल प्रदेश की सड़कों की हालत दयनीय है, सड़कों में गड्ढे पड़े हैं। ये सड़कों में गड्ढे भरने और रिपेयर करने के लिए आज इनके पास पैसे नहीं है, मगर इनके अपने ऐशोआराम में, चाहे मुख्यमंत्री का उड़न खटोला है जो उन्होंने अभी भी नया खरीदा है, 35 करोड़ रुपये से खरीदा है, आलीशान गाड़ियाँ मंत्री और चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों के लिए 30-30, 35-35 लाख की गाड़ी खरीदी है, तो निरंतर इनका जो ऐशोआराम पे जो पैसा है वो हो रहा है और गरीबों के लिए, कर्मचारियों के लिए इनके पास जो है वो पैसा नहीं है। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सिरमौर न्यूज़। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।